नमस्ते किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेहनती किसान में। आज हम आपको आलू में देसी शराब के उपयोग के बारे में बताएंगे। इससे पहले किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों। अधिकतर किसान भाई हमारे जो आलू की फसल है उसमें देसी शराब का उपयोग कर रहे हैं। देसी शराब का उपयोग अधिकतर उत्तर प्रदेश के किसान अपने आलू की फसल में करते हैं। उनका कहना है कि शराब के उपयोग से जो आलू की पैदावार होती है उसमें वृद्धि होती है। जब आलू की फसल किसान भाइयों 50 से 70 दिन की अवस्था में होती है तो उस समय जो हमारे आलू हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं और बस उनका आकार बढ़ना बाकी रह जाता है जो कि बाकी समय में होता है। तो उस समय किसान भाई देसी शराब का छिड़काव कर सकते हैं। देसी शराब का छिड़काव 50 ml प्रति टंकी कर सकते हैं। इसके उपयोग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज हो जाती है और हमारी आलू की फसल को पाले से भी बचाव होता है। हमारी आलू की फसल को झुलसा रोग से भी बचाव होता है। आलू चमकदार निकलता है और आकार भी बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, इसका उपयोग आप एक बार अवश्य करके देखें जिससे आपको अधिक उपज व उत्पादन मिल सके। नुकसान की बात करें तो किसान भाइयों, इसका कोई भी नुकसान भी नहीं है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इसका फसल पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उपयोग अवश्य करें किसान भाइयों। राम राम।